तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो स्मार्टफोन का रिव्यू करने वाले हैं, आपके साथ डिटेल शेयर करने वाले हैं। अगर आप 15,000 रुपये में एक DSLR जैसा कैमरा परचेस करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो सबसे बेस्ट मैं आपको 2 मोबाइल दिखाऊँगा, उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 रुपये है तो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चाह रहे हैं वो भी 15,000 रुपये में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में देखकर आप पूरी डिटेल जान सकते हो कि हमें ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। और इस हमारी इस लिस्ट में 2 कैमरे शामिल हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। अगर बात करें इसकी, और आप जब भी कोई कैमरा लेते हो तो आप खरीद लेते हो, उसका पिक्सल सेंसर और कस्टमाइज देखकर आपको कैमरा मोबाइल खरीदना चाहिए। आप लोग वैसे ही खरीद लेते हो दोस्तों। सबसे पहले की बात करें तो Realme 7 है दोस्तों। ये Realme 7 बहुत ही तगड़े मोबाइलों में से एक माना जाता है दोस्तों। इसका जो गेमिंग और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मैं आपको फुटेज क्वालिटी दिखा देता हूँ दोस्तों। जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है वो है Realme 7। और अगर इसकी बात करें इसके कैमरे की, तो जिस नंबर 1 कैमरे में से एक माना जाता है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है जो कि वाइड एंगल लेंस के साथ बन के तैयार हुआ है दोस्तों। और इसमें आपको 3 लेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, Realme 7 अगर डिस्प्ले की बात करें, इसमें 6.5 इंच की FHD+HD रेफ्रेश रेट की डिस्प्ले मिल जाती है। और इसकी बात करें इसके प्रोसेसर की दोस्तों, तो इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें गेमिंग वगैरह खेलते हो तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और अच्छे से चलता रहता है। और MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ मिलता है। और कैमरा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा Sony Max x 682 के साथ मिलता है। और इसमें 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP डेप्थ, 2MP माइक्रो कैमरा के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिनमें से सिर्फ एक कैमरा ही काम करता है और 2 कैमरे सिर्फ स्टाइल के लिए लगाए जाते हैं दोस्तों। और आप फुटेज क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों। और इसमें अगर बात करें इसकी सेल्फ़ी कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फ़ी कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। और इसमें आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसमें आप अगर चाहे तो स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हो दोस्तों, जिससे कि जूम आउट इन बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। आप अगर फुटेज क्वालिटी की बात करें, तो फुटेज क्वालिटी में इतना अच्छा जूम आउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी रैम की, तो दोस्तों इसमें 6GB रैम और 8 RAM प्लस 64 स्टोरेज के साथ ये तैयार हुआ है दोस्तों, ये वाला फ़ोन। और इसमें अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहें और वीडियो देखें, तो इसमें बहुत ही HD दिखेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है सेकेंड फ़ोन की, जो है सैमसंग गैलेक्सी F41 है दोस्तों। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो 6.4 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और सैमसंग X9611 ऑक्टो कोर बेस्ड ऑन 10N टेक्नोलॉजी साथ तैयार किया गया है। इसकी बैटरी 6000 mAh विथ 15 4N के साथ बनी है दोस्तों। इसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। और इसका जो एक और कैमरा है वो Ultra MP वाइड एंगल लेंस के साथ तैयार हुआ है, जिनमें से इसमें आपको 3 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं। जो पहला कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, और दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और तीसरा है वो 4 मेगापिक्सल का है दोस्तों। और इनमें से बात करें, तो इनमें से एक ही कैमरा सबसे मायने रखता है और तो बस स्टाइल के लिए लगा दिए जाते हैं। और इसमें सेल्फ़ी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फ़ी कैमरा भी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, और जो कि फुटेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा सकता है दोस्तों। अगर आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे तो बहुत ही 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों। और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। और ये मोबाइल मुझे तो लगता है कि कैमरे के लिए ही बनाया है दोस्तों। आप इसको कैमरे फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बात करें इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज इसमें मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। तो ये थे हमारे 2 फ़ोन जो कि हम डिटेल शेयर करने वाले थे दोस्तों। हमने डिटेल शेयर कर दी। अगर आपको इन दोनों में से अगर कोई भी एक मोबाइल अच्छा लगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सा मोबाइल सबसे बेस्ट लगा है। और अगर आप दोनों में से कोई एक परचेस करना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो।
तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी के लिए चलते हैं दोस्तों।